है मेरी किस्मत। कैनेडा में ना बहुत सारे फॉल फेयर होते हैं, हर सिटी में होते हैं। तो आज जॉर्जटाउन में हो रहा है, जो हमारे घर के पास ही है। हमारी सिटी में भी होगा, वो बहुत बड़ा होगा, उसमें भी जाएंगे। बट ये वाला भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी मौसम थोड़ा अच्छा चल रहा है, आगे ठंड हो जाएगी, फॉल आने वाला है। मतलब समर के इवेंट सारे खत्म, अब फॉल के हो जाएंगे। फेयर के लिए निकल रहे हैं, शायद सतबीर एंड फैमिली भी पहुंचेंगे वहां पे। एजल की थोड़ी तबीयत खराब है तो शायद ना पहुंच पाए, बट दे विल ट्राई। तो पिछले वाले जितने भी फेयर में गए ना, कहीं पर टिकट नहीं लगी है, इसमें लगी है। $15 एडल्ट की है और पार्किंग के $10, तो $70 एंट्री पे ले ली उन्होंने। और आज हमारे पास कैश नहीं है, जितनी भी गेम्स होती है उनमें कैश लगता है। तो आई डोंट नो कि कुछ जीत के जा पाएंगे कि नहीं आज। कुछ ट्रक का ना शो होने वाला है, ट्रक पुल समथिंग, उसी की प्रिपरेशन चल रही है। सतबीर उन्हीं आ रहे हैं 25 मिनट में, आई होप कि इस शो से पहले पहुंच जाए। वो रास्ते में ही है वो भी। बेसिकली ट्रक्स की ड्रैग रेस है, जितने पावरफुल ट्रक है वो दिखा रहे हैं कि कितनी पावर है सब में। और इतनी स्पीड में चलते हुए ट्रक्स देखे नहीं लोगों को, तो मजा आ रहा है। तो एक बॉल में गिराने हैं तीनों टेबल से नीचे। हमेशा हम कहते थे कि हमें पॉटी वाला चाहिए, फाइनली पॉटी वाला मिल गया हमें। पॉटी वाला टैडी। नेक्स्ट गेम आप देख रहे हैं, नेक्स्ट गेम कोई इजी मिल जाए हमें, तो एक टैडी मिल गया, बड़ा वाला लेना। हाँ बताओ बताओ क्या है रूल, क्या है? बकेट में डब बॉल डालनी है और अगर रह गई देन यू विन, बट आई थिंक ये बाउंसी है सो इट विल पॉप आउट। तो पहले सतबीर चल रहा है। हाँ देखते हैं क्या हो रहा है। ओह वे। ओके सो इफ आई प्ले अगेन, व्हाट डू आई गेट? वन ऑफ दोस। Do you want to play more? No, I think we're going to go with daddy. Khelni hai? Thank you. daddy khel rahe hai. Oh no, he's going to play. Okay. तो पापा खेल रहे हैं, अगर दोनों डाल दी तो बड़ा वाला टेडी मिलेगा। इनका सबसे बड़ा वाला भी छोटा ही है, दोनों पानी है। कलर एक ही है ना? थैंक यू। मारना जिन्ना जोर ला चला। जोर दी। यार तीन दिन साहब जब तक कम दिया है सबने मारे हैं। पैसे देके क्या लिया? ये घर पे ले लेते फ्री में। पॉटी ये इतनी खुशी, इतनी पता नहीं खुशी, खुश पता नहीं क्यों, कितनी खुश है वो, कितनी खुश है पॉटी मिल गई। ये भी साथ में हैंग कर लो यहाँ पे, ये भी खुश है और जिसको मिली वो भी खुश है। $10 कैश बचे, अच्छे नहीं लग रहे, वो भी हम फूक के जाएंगे। प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है। बहुत लाइट बॉल है, बहुत हल्की है। आराम से मारो, आराम से। तुम्हारा एक ही रह जाती है, मैग्नेट लगाई हुई है शायद। एक लेने दो आ लेने दो छोटे ले लो, कुछ और ले लो। कैन यू चेंज दिस वन? सॉफ्ट सॉफ्ट इकट्ठे कर लिए, एक बार बड़ा वाला नहीं जीत पाए, छोटे वाले तो होती है वो नहीं जीत सकते, मैग्नेट लगा ही होता है। हाँ, जो CNE में था उसमें भी ऐसी था, बहुत डिफिकल्ट था। ये समर वाले जितने भी फेयर है ना खत्म होने वाले, और हमें लग नहीं रहा हमें टोर्नेडो मिलेगा, वो पोटैटो टोर्नेडो। बहुत दिनों से भीड़ है तो शायद लग रहा मिल जाए, पर मेरे को लग नहीं रहा। ट्रक ही नहीं होगा उसका तो फिर मिलेगा नहीं ना।
कैश की इतनी कमी है कि हमें फ्री में खाना जीतना पड़ रहा है। सरप्राइज में हो सकता है एक लैम्बोर्गिनी नहीं घर हो, लैम्बोर्गिनी घर लेके सरप्राइज से निकल गया का। सरप्राइज मेरी किस्मत मैं बोल रहा था सरप्राइज में लैम्बोर्गिनी निकलेगी। ये आपकी डिटेल्स ले रहे हैं डिटैच हाउस के जो एग्रीमेंट भेजेंगे ईमेल आईडी पे। तो क्या चाहिए तुम्हें? घर ही निकल आए बट अभी जो नीड है ना कुछ खाने की, कुछ खाना मीठा या फिर चिप्स। अश्विन जी कोई उम्मीद नहीं है वैसे। कार्ड चल गया आइसक्रीम ट्रक पे, आइसक्रीम खा के हम पेट भर रहे हैं। देख रहे हैं अगर कहीं और कार्ड चल जाता तो मनप्रीत को खिलाएंगे, कुछ भूख लगी है। अभी तो आइसक्रीम खा के पेट भर रही है, नहीं तो दोबारा स्पिन करने चले आएंगे हम चॉकलेट लेने। ये बर्गर को ना इन्होंने 15 मिनट में बनाया, दिखाओ। ठंडा बिल्कुल और कुछ भी नहीं है, खाली पैटी है। बट ठीक है, भूख लगी है, कुछ तो खाना पड़ेगा। कार्ड चल रहे हैं यहाँ पे वही बहुत है। पैटी अच्छी है पर जो बन है ना उन्होंने बिल्कुल भी गर्म नहीं किया, ऐसे दे दिया। सतबीर से पिटवा दूं? सतबीर तो अपना गप्पे मारने लगा हुआ था, उसने भूल गया कि उसको रिसीट देनी होती है ऑर्डर के लिए। ये वो पुतीन है जो सतबीर करता है, वर्ल्ड क्लास पुतीन खिलाऊंगा मैं। इसका खुद का खाने का मन नहीं कर रहा इसको। ये व्लादिमीर पुतीन है। पुतीन है ये पुतीन। इतनी बढ़िया लगेगी, दो ले ली। पूरा फेयर बंद करवा के जा रहे हैं 5 बजे। आज संडे, आज तो क्लोज हो रहा है बट पता चला हमें कि मिल्टन में भी हो रहा है। तो अगर आप मिल्टन में हो या फिर मिल्टन के आसपास भी हो, 23rd-24th को मिल्टन में होगा, मिल्टन फेयर ग्राउंड में, वो अटेंड करना, वो इससे भी बड़ा होगा। चलो अपनी गाड़ी आ गई, जा रहे हैं हम। व्लॉग में कुछ है नहीं इसलिए हमें घटिया घटिया ऐसे जोक मारने पड़ रहे हैं। इसने वो टांगी हुई है पोटली। सो प्लान बन गया कि सतबीर के घर जाएंगे और जो मनप्रीत ने ऐसे सूखा सा बर्गर खाया उसके ऊपर हम चाय पियेंगे। और हम सीक्वेंस लाए हैं यार, बहुत सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि उनो खेलते रहते हो, सीक्वेंस भी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, तो वो लेके आए हैं हम। रूल्स पढ़ लिए हैं बट अभी तक ट्राई नहीं करिए, तो अभी ट्राई करते हैं। वो रूल्स के अकॉर्डिंग तो लग रही है इंटरेस्टिंग बट खेलते आज पता चल जाएगा। एक बार लोग मिठाई लेके जाते हैं, हम सीक्वेंस उनो लेके जा रहे हैं। पहली बार खेल रहे हैं, रूल्स देख लिए हैं, तो एक डेमो देख रहे हैं इसके। एक बार खेलेंगे ना डेमो गेम, पता चल जाएगा सब। पहली गेम का विनर बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है बट वो मनप्रीत है, शातिर तरीके से वो जीती है पहली गेम। बट अब सबको रूल्स पता चल गए और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही गेम, तो और खिलाड़ी आ गए, तो हम 3 टीम बना के खेल रहे हैं, 6 लोग। तो अब देखते कौन सी टीम जीती। फिर हम जीते, मैं और पाजी। हाँ, मैं और सतबीर एक टीम में, तो पता है आपको कौन जीतने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस। लूजिंग टीम से मैं पूछूंगा कौन जीता है। हम जो बोल रहे हैं ज्यादा ये जीते हैं, दोनों चीटर्स चीटर्स चीटर्स, क्योंकि हम सारे बाकी नए थे, अंकल और डैडी और कमल फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, तो ये इनको स्ट्रेटजी पता थी तो ये जीत गए। कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, रूल से खेलो जीत जाओ। अच्छा जी, चीटिंग करी हमने, चीटिंग करी है। ये कोड वर्ड्स में बातें करते हैं, डायमंड रिंग, चिड़िया, कोड वर्ड यूज करते हैं। अब तो जो मर्जी कह लो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इंटरेस्टिंग है सीक्वेंस, इंटरेस्टिंग है ना बहुत। ऐसे चीटर को होना फिर नहीं जीत सकते, सीक्वेंस में चीटिंग कर ही नहीं सकते आप। सो हमको हराने के लिए दो टीमें आपस में जुड़ गई, आपस में मिल गई। मैं सोचा इसको करने के बहाने बने आप। तो वापस आ गए थे हम सतबीर के घर से, बिकॉज एजल का आपको बताया था तबियत बहुत खराब है उसके, बहुत ज्यादा रो रही थी वो। तो अभी हमने बात की है, वो उसको एक्चुअली में इमरजेंसी में लेके गए हैं और 3-4 घंटे के वेट के बाद डॉक्टर ने देख लिया, तो 2 घंटे और लगेंगे। हमने बोला उनको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं, बट वही है बच्चे को समझ नहीं आता ना कि उसके पेन कहाँ हो रही है, बताए क्या प्रॉब्लम है, रो रहा है, पहली बार इतना रो रही है, एजल कभी रोती नहीं है। प्लस ये भी कि यहाँ भी मतलब छोटे बच्चे के लिए भी वेट टाइम है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स परेशान होते हैं, तो वो इसलिए कह रहे थे हम नहीं जा रहे इमरजेंसी, लेकिन फिर भी वो चले गए क्योंकि उनको पता था वहाँ जाके और परेशान होगी, बट फाइनली वो ले गए उसको इमरजेंसी में एंड कह रहे हैं कि डॉक्टर देख रहा है, तो होपफुली जल्दी ठीक हो जाए। बहुत दुख हो रहा है, ऐसे रो रही है ना, कभी रोती नहीं है, सीरियसली कभी रोती नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हम। चलो कल से फिर ऑफिस स्टार्ट हो गया, जितना फन वीकेंड पे होना था। सो कल से कोई और डेली व्लॉग आपको मिलेंगे, बट बताना कुछ आपको सजेशन देने हो व्लॉग्स के लिए कि क्या, बिकॉज डेली व्लॉग है तो जो भी डेली लाइफ में होता है वो आपको डालकर दिखाते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा फन रहे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो कमेंट करके बताना क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड व्हाट यू
want to see. If you want educational videos specifically how to buy a house या फिर jobs कैसे कनाडा में आप easily interview crack कर सकते हो and कैसे money save कर सकते हो banks के related कुछ भी तो let us know. या फिर यही daily vlog fun आपको चाहिए casual infotainment basically infotainment. So let us know. Thank you so much for watching the video. Thanks for supporting us. Bye.